कि हमारी बहन बेटी बांग्लादेश से यहाँ बुलाई जाए, यहाँ के दरिंदे लोग बांग्लादेश में बचाए जाए, खचिड़ खचिड़ कर हमारी माँ पे बहन पे बेटी पे भाई पर क्या चलता है, हमें बर्दाश्त रह रही है। सनातन को मारना मेरा कसूर है, सनातन धर्म में जन्म लेना मेरा कसूर हूँ। अलीगढ़ के गांधी पार्क स्थित पुराने चुंगी बस स्टैंड के समीप बांग्लादेश के हिंदू एवं अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर हिंदू समाज की ओर से विराट धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए। आयोजित हुए इस विराट धरना प्रदर्शन के मंच से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों व हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, फारसी आदि लोगों पर हो रहे नरसंहार के विरोध में हिंदू समाज में आक्रोश दिखा। बेटी तो यहाँ जाए, बांग्लादेश की बहन बेटी तो यहाँ जाए, और गुदलत हटका यहाँ जाए, यहाँ तक पहुँचाए जो लोग हटका है, जो हमारी बेटी ने अत्याचार कर रहे, हम पे सहन ना है रही है, कि हमारी माँ पे बहन पे बेटी ने पे भाई पे अत्याचार कर रहे, हमें बर्दाश्त रह रही है, जा चाह रहे हैं और तुम्हें तो कह रहे हैं सब इंतजाम सुरक्षा चाहिए हमें, ठीक है बिल्कुल, बहन बेटी की सुरक्षा चाहिए, हिंदू पाकिस्तान से हमारी बहन बेटी यहाँ बुलाई जाए और लोग पाकिस्तान भेजे जाएं, हम उनकी सुरक्षा में आज हम रोड पे उतर पड़े, हम सब हिंदू एक एक जाति रहते एक नाराजगी जताते हुए मौजूद पदाधिकारियों ने हिंदू समाज के लोगों को जागरूक करने की अपील की और साथ ही बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को दूर करने की सरकार से मांग की गई। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति देकर जागरूकता अभियान चलाया। आयोजित विराट धरना प्रदर्शन में बरौली विधायक जयवीर सिंह, एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह, कोल विधायक अनिल पाराशर, शहर विधायक मुक्ता राजा, खैर के नव निर्वाचित विधायक सुरेंद्र दिलेर, महापौर प्रशांत सिंघल व ऋषिपाल सिंह सहित अन्य सम्मानित लोग उपस्थित रहे और सभी ने हिंदू समाज को एकजुटता का संदेश दिया। बांग्लादेश की विधर्मी सरकार जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, वह भेड़िया जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, वह कट्टरपंथियों के साथ मिलकर हिंदू भाई बहनों और बच्चों पर अत्याचार कर रहा है, उन्हें मरवा रहा है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा है, उन पर कब्जा किया जा रहा है। वह सनातन संस्कृति का मंदिर इस्कॉन मंदिर, जिसने पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश को ना केवल दो वक्त की रोटियां मुहैया कराई बल्कि उसे संरक्षण दिया, उसे सुरक्षा दी, आज उस मंदिर पर भी आक्रमण हो रहे हैं, उनके संतों को पकड़ा जा रहा है, उनके संतों को मारा जा रहा है। ऐसे विधर्मी मानसिकता, ऐसी क्रूर मानसिकता के खिलाफ आज की आक्रोश लहरी हरिगढ़ के इस पुराने बस स्टैंड के इस मैदान में हुई है। हर व्यक्ति आक्रोशित है और यह आगाज मात्र है, हरिगढ़ की भूमि से पूरे भारतवर्ष में इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं और निश्चय ही हम हरिगढ़ की भूमि से भारत सरकार के साथ साथ उन सरकारों को, उन संस्थाओं को, पार्टियों को भी ध्यान दिलाना चाहते हैं जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह हिंदुओं के प्रति अमानवीय कृत्य अब बर्दाश्त नहीं होगा, उसके लिए यह आक्रोश रैली है। यहाँ युवा, प्रौढ़, माताएं सभी इकट्ठे हुए हैं और सभी का एक मत में एक ही मांग है कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए, हिंदुओं को पुनः स्थापना होनी चाहिए और उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए जिन्होंने हिंदुओं के घरों को फूंका है, जिन्होंने बहन बेटियों की आबरू को लूटा है, जिन्होंने हमारे हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को लूटा है।
आज के कार्यक्रम में आपकी मूल मांग जो है, जिस तरीके से आप ज्ञापन दे रहे हैं, वो ज्ञापन किसके लिए दिया जा रहा है और मांग क्या है? हमारी मांग भारत सरकार से है कि ऐसे देश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी मांग मानव अधिकार आयोग से भी है कि वह भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, बालक बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार, जिस तरह की वीडियो आ रही है, और जो कट्टरपंथी सरकार उन लोगों के साथ मिलकर, विधर्मियों के साथ मिलकर जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, वह तुरंत रोके जाएं, उनके खिलाफ जांच हो, उनको फांसी की सजा हो। यह मांग हरिगढ़ की जनता, हरिगढ़ की इस भूमि से, भारत सरकार से, और मानवाधिकार के जो लोग उसका मानवाधिकार का बार बार झंडा उठाकर घूमते हैं पूरे विश्व में, उन लोगों से है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को तुरंत बंद कराया जाए। सभा से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत का हिंदू सदैव खड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि आवाज यूएन तक जाए और यूएन उस पर कार्रवाई करे और बांग्लादेश में रहने वाले सभी हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रसराज दासियां, हम इस्कॉन अलीगढ़ से आए हैं। किस तरह का कार्यक्रम हुआ है आज यहाँ पर? एक जागरण का कार्य हुआ है कि जिससे उनकी चेतना जागृत हो, लोगों की चेतना जागृत हो एक अच्छे कार्य को करने के लिए। रब जी, इस्कॉन तो मानवता के लिए काम करता है, पूरे विश्व भर में काम कर रहा है, बांग्लादेश में भी काम किया, लेकिन इस्कॉन को खासकर टारगेट बनाया जा रहा है। और जैसा मैंने अभी बताया, ये तो हमेशा से होता रहा है जी। जो दो तरह की विचारधाराएं होती है, दैवी और आसुरी, तो जो गलत विचारधारा वाले लोग हैं वो अच्छे विचारधारा वाले लोगों को उस कार्य को करने के लिए रोकेंगे जी। मैंने भी बताया कि ये किसी समुदाय का या किसी देश का या किसी पंथ का या किसी व्यक्ति का झगड़ा नहीं है जी। ये लड़ाइयाँ होती हैं विचारों की जी। कि जो गलत विचार वाले व्यक्ति हैं वो अच्छे विचार वालों से सहमत नहीं होते तो उनको दबाते हैं जी। तो हमें अपने विचारों को बल देना है, अपने विचारों को बल देंगे तो हम शक्ति पाएंगे और उसके आधार पर हम आगे भारत सेना के जवान जो सुरक्षा में लगे हुए थे जी। जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो दयनीय है, और वही उसी आक्रोश जो लोगों में दिखा है, सभी हिंदू भाई बहन सभी एकत्रित होकर उसके विरोध में सबने आंदोलन करा, और मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ ऊपर तक जाएगी और उसे सुधार होगा। कि विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम हमारे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा एक सुनियोजित तरीके से अब बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरुद्ध इस जन आक्रोश आंदोलन का शुभारंभ हो चुका है, क्योंकि अति हो गई है। गत विगत महीनों से हम देख रहे हैं कि जब से तख्ता पलट हुआ है सरकार का, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ, हिंदू जनमानस के साथ अत्याचार हो रहा है, अब तो वहां पर हिंदू धर्म से जो भी संबंध है उनको भी डिटेन किया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा की गई इस पहल के माध्यम से हम चेताना चाहते हैं अपनी सरकारों को और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बैठे उन मानवाधिकारों के सिफे सहलारों को जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं मानवीय मूल्यों का, कि आज जब मानव की हत्या हो रही है आप सब लोग चुप बैठे, यूएनओ शांत क्यों है, तो उनको चेताने के लिए और उचित कार्रवाई करने के लिए और तत्काल प्रभाव से बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु हमारी ये पहल है। और मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि यदि उचित कार्रवाई जल्दी से जल्दी नहीं होती है, बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षित नहीं किया जाता है, तो भारतवर्ष के हिंदू जो है अब काटने मारने के लिए उतारू हो जाएंगे। भारत सरकार क्यों चुप बैठी है? भारत सरकार चुप नहीं बैठी। देखिए, ये सरकार की नीति है, मैं सरकारी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो अपनी बात कर सकती हूँ। हम लोग आक्रोशित है, हम लोग भी अभी यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उचित कार्रवाई हो, संवैधानिक और नियमावली के अनुसार कार्रवाई हो, अन्यत्र स्थिति में जनमानस के हिंदुओं के इस आक्रोश को कोई रोक नहीं पाएगा। उस आक्रोश को उस चरम तक पहुंचाने से पूर्व जो है उचित कार्रवाई हो जानी चाहिए और मेरे बांग्लादेशी हिंदू जो है सुरक्षित वापस आ जाए या उनको वहाँ पर प्रॉपर स्थान मिले। बांग्लादेश सरकार को ये चेतावनी। इतनी बड़ी आज जन आक्रोश रैली हुई, इसके बाद अगला पड़ाव क्या रहेगा? देखिए, ये जगह जगह हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप में एक कहना चाहिए संगठन नहीं है, अब तो संगठन है ही नहीं है, वो हर जनमानस जो है अपने आप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो ये
जगह जगह स्थानीय कार्यक्रम होंगे, क्योंकि लोग ही इतने हैं कि एक जगह बुला करके इसको कर पाना संभव नहीं है। हर जगह आज से यहाँ से हरिगढ़ से प्रारंभ हो चुका है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस बात का बीड़ा उठाया कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं होगी और बांग्लादेशी हिंदू जो सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि सर संघ चालक मानन जी का पत्र भी मिला है, उन्होंने अपनी मांग जो है सरकार तक पहुँचाई है और हमें उम्मीद है कि हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अपने हिंदुओं को बचाने में हमेशा की तरह कामयाब होगा। जी कहाँ के लोग यहाँ पर आए? देखिए इस क्षेत्र के पूरे सभी लोग आए हैं, आसपास के सारे जो क्षेत्र है वो सब लोग यहाँ पर समझते हैं, हजारों की भीड़ में लोग हैं, मैं क्या बताऊँ उसमें आप देख सकते हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए 80 न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।